अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हो गया तुम लोगों का जैन की वीडियो में। चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को लाजमी दबा दो, क्योंकि मजे मजे की वीडियोस आने वाली हैं आगे और मजीद। आज है कजन की फलीमा, तो आज हमने उधर जाना है, तो आज उनसे ड्रेसिंग में सोच रहा हूँ यार खाली ना सिंपल सी एक ड्रेस पहन पे होल्डर साथ ड्रेस शर्ट के साथ शूज़ वगैरह पहन के चलते हैं। लेकिन अभी आऊँगा कहाँ से भला, मैं ज़्यादा मार्केट हूँ, कोई सामान को ले जाए खाने पीने का, पहले वो ला के दे देते हैं घर वालों को, फिर उसके बाद अपने कपड़े शपड़े निकालते हैं, नहाते हैं, तैयार शहर होते हैं, फिर तुम लोग को मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना, बेल को लाजमी दबा देना, और यार लाइक शेयर कर दिया करो। माशाल्लाह व्यू बढ़ने शुरू हो गए हैं भाई, तुम्हारे भाई के सब्सक्राइबर भी बढ़ने शुरू हो गए हैं। सही कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दो, बेल को लाजमी दो, मिलते हैं तुमको थोड़ी देर के बाद। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज़। गर्मी है, ये देख रहे हो तुम लोग कैसी कड़ाड़ी धूप निकली है। तो अब जो उनसे कपड़े है ना, मुझे वो निकालने पड़ने हैं जो ना इजीली पहन सकते। अभी तो मैं फिलहाल जा रहा हूँ सामान वगैरह लेने, मैं थोड़ी देर के बाद मिलता हूँ। तो यार कपड़े जो उनसे है ना, वो मौसम के हिसाब से देखा मैंने, बस बहुत गर्मी है। तो अब ये हमने ये जीन्स है और ये शर्ट है। आओ जी तुझे भी आइए यार, ये इसने पता नहीं कब बच्चे देने हैं। तू बच्चे देने के नहीं देने, कि हवा भरी जा रही बीच है। कुछ तो है कातिया, कब देने हैं तुमने बच्चे हैं, कब देने हैं, जल्दी जल्दी बोलो कब देने हैं। यार ये ना एक डेली स्क्रब है, ठीक है, ऑफिशियल है, कोई पता नहीं कौन सी है भाई लेके आया था। इसको ट्राई करके देखते हैं, पहले से करते हैं, हाफ फेस पे लगाते हैं इसको। तो यार इसको ना ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। मैं ऐसा करूँगा कि ना हाफ फेस पे लगाऊंगा इसको पहले, इधर और फिर देखते हैं हमें फर्क पड़ता भी कि नहीं पड़ता। वैसे मैंने कभी लगाया नहीं है, कभी ना ही मैंने फेशियल वोशियल कराया, ना ही कभी मैंने कोई स्क्रब लगाई है। Many months later. यार फर्क मुझे वैसे लगता है, देखोगे ना ये वाले हिस्से में ना, यहाँ पे थोड़ा वाइटनेस ही आ गई, ग्लोइंग, लेकिन यहाँ पे थोड़ा जो है ना वो ब्लैक टोन में है सारा ना। तो भाई साहब इसका मतलब हमें पूरा बूथा कर लेना चाहिए। मस्त जोक मारा रे यार, कभी कभी वैसे यार ब्यूटी आ रही है मेरे में भाई, ब्यूटी। अच्छा मैं अब जा रहा हूँ नहाने, तुम लोगों को तो मैं लेके जा सकता नहीं, तो तुम लोगों ने लेके गया तो तुम लोगों ने अनसब्सक्राइब कर देना मुझे। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम हो गया तुम लोगों का जैन की वीडियो में। तो भाई हम हो गए हैं तैयार, ठीक है, अभी ऊपर चलते हैं, ऊपर जाके देखते हैं कौन तैयार हुआ कौन नहीं। मुझे नहीं लगता कोई तैयार हुआ होगा, अभी सब ऐसे ऐसे फेर रहे हैं और 7 बज गए। अभी तो मुझे रोने की बात आ रही है, बच्चों की बस तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा मुझे। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है, इतने पुआले कुबली, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। यार भाई नहीं तैयार हो जाओ, कोई भी तैयार नहीं हुआ है। मैं तैयार हूँ ऐसे जाना, ऐसे सर। मिम्मी तैयार हुई है, बस ये नहीं पहनना ना, ये गंदे पल है ना, पहन लो, ये पहन लो अच्छा लगेगा। चाचू ने भी शर्ट पहनी है देखो। यार मुझे पहले ही पता था, मैं हमेशा पहले की तरह जल्दी तैयार होके बैठ गया, कोई भी तैयार नहीं हुआ, सारे बड़े बड़े कमरे में वो भी वो सब। अब क्या करूँ मैं जा रहा हूँ, ठीक है, आप लोग जब आना हुआ ना आ जाना, मैं और इंतजार नहीं कर सकता, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। नहीं आना आपने मेरे साथ। तो यार हम निकल रहे हैं, ठीक है, इन्होंने पता नहीं आना भी है कि नहीं आना, कब आना। A few moments later. Assalamualaikum, welcome हो गया जी तुम्हारा व्लॉग में, मेरा भाई आ गया व्लॉग में। तो यार अभी हम पहुंचे हैं, ठीक है, वो राहुल, तो बस हम अंदर चलते हैं, अंदर जाके देखते हैं कौन कौन मेहमान आए हैं। तो यार अपना यहाँ से हो रही है दुल्हन की एंट्रेंस, हम वो भी साइड बोर्ड कर रहे थे। वैसे तो आज कोई भी सीन नहीं लग रहा मुझे ब्लॉग का, बहुत छोटा ब्लॉग बनेगा आज।
खाना शाना खा लिया ठीक है। अब ये कस्टर्ड की बारी है, गिरा दी नीचे नहीं यार, खाली चमची गिराई है आपने यार। ये बड़ा मजे का सालन बना था, वो चावल थे और ये रहा कस्टर्ड जनाब साहब फुल है। यमन यू माय गॉड यार, सिस्टर का ना मोबाइल घूम गया, बस मोबाइल ढूंढ ले पटा पटा। डेटा लेके जाते रहे, नहीं हुआ। कल मंडे, कल उस बंदे ने आना, कल उसने आके इसको चेक करना, क्या तो आपकी तो कभी तो चल नहीं ना रहे, तो हमारे तो फायदे में नहीं होता। मैं ताबेदार था, एलईडी सड़ी हुई है पीछे लगी हुई, वो लगाई है, ये भी नहीं चल रही है। मैं होता भाईजान, मैं ताबेदार था, रही आपके उनकी उसे क्या कहते वेटर्स की, अगर किसी वेटर्स ने पकड़ा है यही कहे सारे, उनकी तलाशी ले लेते हैं, हॉल से बाहर वो नहीं लेके जा सकते। अब ये किस तरह कह सकते हैं आप, यही रख देंगे साइड में बंद करके मसला खाना खाते वक्त जब सिर्फ वेटर घूम रहा है खाना सर्व कर, अब बच्ची बैठी यहाँ पे खाना खा रही, साइड में टेबल पे साइड में सामान पड़ा हुआ, वो इधर से गुजरा दूसरा उठाया, इसके अलावा बंदा कोई नहीं है वहाँ पे उस वक्त। सर आपको पता चल गया इधर से उठाया, फिर आपने उसी वक्त उसको क्यों नहीं पकड़ा? जाहिर बात है उस वक्त तो नहीं ना, मतलब खाना तो खा रहे, अबे खाना खा कर उन्होंने देखा तो उसका मोबाइल गया था। सर ऐसे ना करे, अंदर तो आज सारा दिन मैं भी करता रहा। अच्छा तो इसका मतलब मैं खाना भी खा रहा था, इस मोबाइल देखता रहेगा बंदा? नहीं अब सारा दिन जब उन्होंने भी देखा ना पड़ गया, मोबाइल नहीं है तो पता लगेगा ना, तो ये हुआ उसके उसके दौरान तो बंदा कोई नहीं था वहाँ से। खाने साहब कर रहे टाइम अपने खाने में मदद इतना बड़ा हॉल है, हम अंदर जो अंदर भी देख लेते हैं ना, अंदर देखते हैं जाके, किचन कुचन में देख लेते हैं जाके, यहाँ पे सारा सारा सारी चीज़ें ये लेफ्ट साइड वाले टेबल की बात है, एक बंदे को स्पेसिफिक एक टेबल नहीं होता है, जिधर जो उसको बुला रहा होता भाग जाता है। यार नदीम को बुलाना, ये अंदर इतना फोन होता है भैया, फोन के साथ में आप पूछ के आपने सारे स्टाफ ने पूछा है आपने किसे बंदे को मोबाइल नहीं, फोन के अलावा ना उनकी एक तो शालें भी उठाई गई है, वो भी फैमिली खड़ी थी, वो भी कंप्लेन कर रही थी कि हमारी शाल भी उठाई गई है। मेरा मकसद ये है कि आपकी मैनेजमेंट अंदर फिर रही है, अगर आपके थ्रू किसी मोबाइल मिल सकता है तो हमारी चलो इसमें हेल्प हो जाएगी। किसी का जान तो बिना आके लगाए नहीं ना, ये तो खा ही नहीं है, लेकिन खाने के दौरान हुआ उस वक्त सिर्फ वेटर ही घूम रहे थे, बाकी बंदे बैठे खाना खा रहे थे, तो ऑब्वियसली बात है जो बंदा घूम रहा है उसने उसी के हाथ से काम हुआ होगा ना। हम ये कहना चाह रहे हैं आपको, हम ये नहीं कह रहे कन्फर्म वेटर ने ही किया, लेकिन बात नहीं वेटर ने किया यार, खाना मोबाइल खाना खाते हैं सारे टेबल पे यार, हम इनको अड्डे से नहीं लेके आते हैं, ये डेली लड़के यहाँ पे आने वाले हैं और इसी गाँव के रहने वाले हैं ये। मैं ये कर सकता हूँ सबकी, आप राशि ले लें पीछे, आपको किचन में देने जाता हूँ सारा कुछ वहाँ पे जाके आपको सामने ले जाना, उन्हें वो गेज बंद करके ये पड़े आना ना, हां वो पे साहब ला रहा है लेकिन टुकड़े ला रहा है, सेता होना कि लैब तू निकल जा या किधर साइड पे रखता है चुड़ी दे दे, ऐसे तो नहीं है उनके पहले बैंड आप उठ के थोड़ा सा डंडा देंगे ना, कोई बोल पड़ेगा उठो तो सही यहां से, आप कह रहे नहीं नहीं नहीं, नहीं। तो थोड़ा आदर बाहर रहा, उनको पता चले कि ओनर है वहां से बाहर रहा है, अगले को पता होगा ओनर है वहां से, तो फिर उसका जो मैनुअल हाल है ना फिर वो देख लें आप, ये टीवी आप देख, मैं देख रही है देख लिया जला हुआ है, लेकिन मैं कह रहा हूं मैनुअल हाल तो ही होगा उसका, हमने तो आके सीधा आपको नहीं कहा कि आपके लड़के ने फोन उठाया, मैंने सीसीटीवी कैमरे की वीडियो दिखा दिया, आपने जला हुआ, अब आप कुछ ना कुछ मैं आपको हां हां अभी जो अंदर अंदर देखते हैं जाके
बैग पड़ी बैग में देख लो वो बैग में देख फिर बाद माफी पूरी है यार सब सारा कुछ कर लिया हमने, वेटर की भी जगह जगह देख ली है, लेकिन अब जाहिर सी बात है कहाँ जो उसने खाया उसने अपने पास तो रखना नहीं है कि छुपा दिया होना, तो अभी तो सारे तरह वो परेशान है, अभी चलते घर घर जाके देते क्या सीन है क्या। वो कहते भी जो मैं फाइव मोबाइल यही वाला चाहिए, कैसी बात हूँ एक कशर का मोबाइल था वहाँ से, वो खबर मिल गई मुझे पहले। हाँ किसने बताया? जी न्यूज वाले घर में रहते हैं। रानी किसने बताया भाई? मेरे पास बहुत बोलते हैं सब। किसने बताया तो हैं भाई? हम अपने जी न्यूज वाले खोला। किसने बताया? जी न्यूज वाले घर में खोला यार से। चिप तो किसने बताया? दुल्हन बताया ना? तो किसने बताया? कोई जी न्यूज वाले कौन? आपने ले गया वहां से? हैं आप तुमने ले वहां से? मैं से लिया था। तो यार दूसरी गाड़ी भी हमारी आ गई, दरवाजा खोल दे फटाफट, पीछे जो लग जाएगा दरवाजा। भाई से पूछते हैं मिला फोन कहाँ से? यार मैंने अपने दोस्त को फोन किया। अच्छा तो वो कह रहा है कि आप वो ट्रेस करवाना पड़ेगा इसको। अच्छा अगर तो प्राइवेटली करवाओगे हैकर से तो वो आपको अगर वो सिम डालेगा ना बंदा बीच में तो फिर आपको ट्रेस होगा कि वो कहाँ पे है। अच्छा सिम के बगैर नहीं होगा। कहता मेरा खुद उठाया गया था फोन तो 2 साल बाद मिला था मुझे। 2 साल बाद? 2 साल बाद उसको लगा शायद मैंने 2 साल का उठाया हुआ है। अच्छा तो अब किस खत्म होगी नहीं कहानी सारी, लेकिन वो ट्रेसिंग पे लगा हुआ था तो जैसे उसने सिम डाली उसको साथ ही सारा डेटा मिल गया। तो क्या करेगा वो कह रहा है कि 2 हल हैं, अगर तो 15 पे कॉल करते हो तो फ्री काम होगा, लेकिन वो सरकारी काम है थोड़ा लेट हो सकता है, तो अगर आपने अर्जेंट करवाना है तो 10-12 हज़ार लगेगा, तो आपका वो अर्जेंट जो है ना वो ट्रैकिंग पे लग जाएगा, जिस दिन उसके अंदर सिम डली ना कोई भी तो उस दिन पता लग जाएगा कहाँ पे अगर उसका IMEI नंबर है तो। यार बॉक्स तो हमारे पास पड़ा, बॉक्स पड़ा ना हमारे पास? हाँ बॉक्स पड़ा हमारे पास। अब ये है कि उसका IMEI नंबर सुबह लेके जाएंगे, FI वगैरह करवाएंगे तो अल्लाह करे मिल जाए, नहीं तो फिर जब इसलिए फ़ोन का रोला नहीं, उसके जो प्राइवेट घर की फैमिली की जो पिक्चर्स वगैरह है ना उसके ज़्यादा इशू होता है, तो बस दुआ करो कि मिल जाए, नहीं तो फिर मोए मोए। ठीक है अब देखो मुझे बात, तो हमने वहाँ पे सब कुछ कर लिया, अब जाहिर सी बात है यार वेटर्स ने हम किसी पे तो इल्ज़ाम लगा नहीं सकते, लेकिन अगर किसी ने वहाँ पे किया भी है वेटर शेटर ने तो यार वो जाहिर सी बात है, अब आपको ये तो नहीं कहेगा भाई मेरे पास मोबाइल है आपका, तो और भी कोई है जिन पे है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, कितना गुजारा कर लेगा यार वो 40-50 हज़ार का, क्या कर लेगा, क्या उखाड़ लेगा 40-50 हज़ार से अपनी ज़िंदगी में, साफ तो देना पड़ेगा आखिरत में, लेकिन कोई बात नहीं। तो अब उसको ये है कि अभी तो फिलहाल रो रही है, लेकिन इसको वाइश वाइल लेके देंगे नया कोई, तो तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को लाजमी दबाओ, इसलिए इतना बड़ा अच्छा ब्लॉग भी नहीं बना क्योंकि वहाँ पर टेंशन बहुत थी कि सारे फिर मेहमान जो यानी कि थे कज़न वगैरह पे सारे एक्टिव हुए, फिर वहाँ पे एक रश लग गया, फिर ऊपर से हॉल की लाइटें वैसे 10 बजे बंद हो जाती हैं तो वो बंद कर दी उन्होंने, जिसकी वजह से फिर हमें थोड़ा और ज़रा देखना पड़ा थोड़ा वहाँ का। अच्छा कैमरे शैमरे लगे हुए हैं लेकिन कहते जी ख़राब, खैर जो होना था हो गया, तो अब मज़ा तुम लोगों को थोड़ा बहुत आया ही होगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना, बैग को लाजमी करना, मिलता है तुम लोगों को इंशाल्लाह नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।